हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लगभग 700 ओपनिंग्स है और जो कंपनी का नाम है टीम लीज डिजिटल, जो DXC टेक्नोलॉजी है उसके अंडर काम करती है। और सबसे अच्छी इसमें बात यह है ना, इसमें कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी ब्रांच, कोई भी बैच वाला एलिजिबल है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, इस कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जैसे आप देख ही रहे हो, हम अपने चैनल पे आ चुके हैं। और बाकी आप देख सकते हो, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। बाकी आप देख सकते हो मैं काफी ऑफ कैंपस हायरिंग वगैरह कवर करता रहता हूँ। अगर लास्ट की 10 वीडियो हम कवर करें ना, तो 8 वीडियो हमारी ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो चलो हम अपना वो टॉपिक क्या बोलते हैं वो वाली, तो यहाँ पे देख सकते हो, टीम लीज इज हायरिंग टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, लोकेशन आपकी बैंगलोर होने वाली है। और एक और बात बता दूं, जो जिसने TCS का नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट, जिसे TCS NQT कहते हैं, जो अक्टूबर 20 और फरवरी 21 में अपियर हुआ था, ये वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मतलब इनमें से नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी देख सकते हो कॉपरेट का नाम है टीम लीज और रोल आपको मिलने वाला टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का, लोकेशन आपकी बैंगलोर और हायरिंग यहाँ पर 700 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाते हैं हम, लोकेशन आपकी बैंगलोर होने वाली है, 700 हायरिंग है, बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है ना, एनी ग्रेजुएट नो बैकलॉग परसेंटेज इज फाइन, मतलब कोई भी परसेंटेज वाला अप्लाई कर सकता है। दो राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड आपका टीम लीड स्क्रीनिंग और टीम लीड स्क्रीनिंग, देन आपका होगा सेकेंड राउंड जो होगा आपका फाइनल राउंड जो विद होगा DXC टेक्नोलॉजी की तरफ से, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना आपकी DXC जो है उसकी सब वो है। और बाकी अब स्किल की बात करें, स्किल में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, मैं वैसे ही बता देता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, बस। और अगर बात करें आपकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट देख सकते हो आपकी ये 12 अगस्त की और 14 मई की थी स्टार्टिंग डेट, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो इसमें एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप उसको अप्लाई करना, ठीक है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी। और ये 12 अगस्त, ये नहीं कि 12 अगस्त के बाद ही नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक ये 700 जो वैकेंसीज है ना ये फिल नहीं हो जाती, फिल आउट, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर आज की वीडियो में इतनी, होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।